तो चलिए शुरू करते हैं। उसमें सारी गलती में थी मेरी बहन की, उसमें कोई गलती नहीं थी, वो तो सिर्फ 3 साल की थी, उसे तो ठीक से नाम तक लेना नहीं आता था, फिर वो कैसे तुमसे खेल खेल सकती है। यहाँ भेजने का फैसला भी मेरा और वरुण का था, उसे तो कुछ भी याद नहीं है। 3 साल के बच्चे को उनका बचपन कैसे याद रह सकता है, तुम तो जानते हो अपनी बटरफ्लाई को, वो तब भी उतनी मासूम थी जितनी आज है। तुझसे दूर जाने पर वो उस वक्त भी बहुत रोई थी और आज भी रो रही है, इस सब के बावजूद कि तुमने उसके साथ कया कया नहीं किया, उसे जबरदस्ती उठा के लेके आए, फिर भी वो रो रही है, उसे उसके टेडी से लगाव हो गया है, वो जानती नहीं कि तुम उसके बचपन वाले टेडी हो, फिर भी वो तुम्हारे लिए रो रही है। अपनी बटरफ्लाई को फिर से खुद से दूर जाने दोगे? अगर वो यहाँ से गई, तुमसे दूर गई, तो तुम उसे हमेशा हमेशा के लिए खो। राहुल इतना ही बोल पाया था कि फिर से उसके मुंह पर तेज पंच पड़ा। पंच पड़ते ही राहुल का चेहरा एक और झुक गया। वरुण राहुल को पंच पड़ते ही पीछे पिलक के पीछे छुप गया। राहुल अपने मुंह पर हाथ रख सामने देखा, जहां समय गुस्से में लाल आंखों से उसे देख रहा था। राहुल उसकी आंखों को देख अपने दोनों गालों पर हाथ रख पीछे कदम लेने लगा। वरुण राहुल की हालत देख पिलक के पीछे से सर निकाल समय को देखने लगा, जो गुस्से खड़ा था। वरुण की नजरें समय के हाथों पर गई, जहां से खून निकल रहा था। वरुण उसके हाथ से खून निकलता देख तुरंत उसके पास जाके उसका हाथ पकड़, इक्वल्स ये तुझे क्या हुआ, तेरे हाथ में चोट कैसे लगी? वरुण से अपना हाथ छुरा के समय दोनों को घूर के वहां से निकल सिरियो के पास आया, जहां तापसी अभी भी रो रही थी। समय की आंखें जो कुछ देर पहले लाल थी, अब वही तापसी को बड़ी जुनूनी नजरों से देख रही थी। समय तापसी के पास जाके उसके पास सिरियो पर बैठ उसके बालों में हाथ फेर के बोला, इक्वल्स बटरफ्लाई। तापसी ने जैसे ही समय की आवाज सुनी, अपने पैरों से सर निकाल समय की ओर देखा, जो उसके पास बैठ उसके सर पर हाथ फेर रहा था। समय तापसी के छोटे से चेहरे को देखता रहा, जो रोने से लाल हो चुका था। उसकी आंखें नाक गाल रोने से लाल चेहरी देसे हो गए थे, जिसे तापसी काफी क्यूटी लग रही थी। किसी खरगोश की तरह समय को तापसी काफी क्यूट लग रही थी। तापसी समय को अपने पास देख जट से उसके गले से लग रोने लगी। समय एक हाथ से उसे पकड़ अपनी गोद में बिठा लिया। तापसी अपनी दोनों बाहों में समय के गले से लिपट ली, अपने दोनों पैर समय की कमर से लिपट लिए और फुट फुट के रोने लगी। समय उसकी पीठ सहला के उसे रोने दिया। इस वक्त तापसी समय से किसी बंद के बच्चे की तरह चिपकी हुई थी। समय तापसी को ऐसे ही गोद में उठा के कमरे की ओर ले गया। सिरियों के ऊपर वरुण राहुल खड़े होके समय को देखते रहे। समय कमरे में जाके तापसी को बेड पर लेता के दरवाजे के पास आके बोला, इक्वल्स जाके सो जाओ, कल तुम दोनों की सजा तय करूंगा। समय ने ये बात वरुण राहुल को देख के बोली। इतना बोल समय ने दरवाजा बंद कर दिया। वरुण राहुल उसकी बात सुन एक दूसरे के गले से लग गए। दोनों के चेहरे पर सुकून भरी स्माइल थी। समय तापसी वो बेड पर बैठे देख बाथरूम में गया, अपने हाथ में गीला टावल लाके उसके हाथ चेहरे को साफ किया। तापसी पूरा वक्त समय को देखती रही। समय तापसी की नजरों को देख उसकी कमर पकड़ अपने करीब खींच उसके दोनों गालों को बारी बारी चूम के बोला, इक्वल्स मेरा क्यूट खरगोश। समय के किस करने से तापसी की आंखें अपने आप बंद हो गई, उसके गाल और लाल हो गए। तापसी अपनी तिमतिमाती आंखों से समय को देखते हुए बोली, इक्वल्स आप मुझसे गुस्सा क्यों थे और मुझे यहाँ से जान को भी कहा? अगर मैं सच्ची चली जाती तो और भाई मुझे ले जाते तो? समय तापसी को लेके अपनी गोद में बिठा के उसके बालों से खेलते हुए कहा, इक्वल्स ऐसे कैसे ले जाता मैं अपने खरगोश के बच्चे को, खुद से दूर कभी नहीं जाने देता, फिर चाहे उसके लिए मुझे उसे पिंजरे में ही क्यों ना रखना पड़ता। तापसी समय के बदलते एक्सप्रेशन देख बोली, इक्वल्स ये आपको बार बार क्या हो जाता है, कभी बिल्कुल राक्षस बन जाते हो तो कभी स्वीट मलाई जैसे, मुझे ना आपके गुस्से को देख बहुत डर लगता है, आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? समय तापसी की बात सुन हल्के से मुस्कुरा के बोला, इक्वल्स मेरी बटरफ्लाई को डर ना भी चाहिए, वो जीतना मुझसे
दिरेगी उतना मेरी बटरफ्लाई के लिए अच्छा होगा, वरना उसके पर निकल आएगी और वो आसमान में उड़ने की कोशिश करेगी, जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। मेरी बटरफ्लाई मेरे दिए हुए आसमान में ही उड़नी चाहिए, उसे ज्यादा ना तो वो पर फैलाए और ना ही मैं उसे पर फैलाने दूंगा। समय ने ये सारे बातें काफी जुनून भरी आवाज में बोली थी, जिसे सुन तापसी के अंदर डर की लेहसी दौड़ गई। समय तापसी को बाहों में लेके ऐसे ही सो गया। तापसी ने भी उसे खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर में तापसी समय की बाहों में सो गई। समय की आंखों में नींद का कोई कतरा नहीं था। वो एक तक तापसी के चेहरे को देख रहा था। कभी वो उसके गालों को से अपने गाल रब करता, तो कभी उसके होठों पे अपने होठ से छुके उस पर अपनी जीभ फेर के उसे गीला करता। जिसे तापसी नींद में समय की इस हरकत पर अपने होठों पर अपनी जीभ फिराती। समय उसकी हरकत पर इमोशनलेस होके देख रहा था। समय का एक हाथ उसके कमरों के अंदर उसकी कमर को सहला रहा था, जिसे नींद में तापसी उसके ओर करीबा रही थी। जिसे देख समय के चेहरे पर एक श्यानी स्माइल आ गई, जो उसने बहुत जल्द छुपा भी ली। समय के चेहरे पर इस वक्त कोई इमोशन नहीं थे, उसकी आंखें बिल्कुल इमोशनलेस थी। पूरी रात समय ने तापसी को देखने में छुने में निकाली। अगले दिन समय हमेशा की तरह जल्दी उठ जिम चला गया। वैसे भी वो पूरी रात सोया नहीं था, तापसी अभी भी उसके सिने पर सो रही थी। समय तापसी को धीरे से बेड पर लेता के कब में जाके अपने हाथों में जंजीरें लेके आया। समय जंजीरें लाके तापसी के पैरों हाथों में बांध के उसके सर पर चुमके वहां से चला गया। जाते हुए उसने फोन निकाल किसी को मैसेज किया। जिम में आज जिम में उसके साथ और तीन लोग थे। समय उन तीनों को जिम में देख अपनी आंखें से कुली। वरुण राहुल समय के पास आके कान पक उठक बैठक करने लगे। राघव ये देख मन ही मन हंस रहा था। उसे वरुण की हालत देख काफी खुशी हो रही थी। समय दोनों को इग्नोर कर अपनी एक्सरसाइज करने लगा। वरुण राहुल समय के पीछे आके खड़े हो गए। समय फिर भी दोनों को इग्नोर कर दो घंटे तक अपनी सारी एक्सरसाइज कर जिम से जाते हुए राघव से बोला, मैंने कुछ मंगवाया है, उसे लेके हॉल के बीच रखो और इन दोनों को उनका काम बता दो। आज से ये दोनों हेल का सारा काम करेंगे, खाना बनाने से लेके सफाई तक सब कुछ ये दोनों करेंगे। समय की बात सुन वरुण राहुल सोकद होके एक साथ बोले, क्या खाना बनाना? वरुण समय को देख परेशानी भरी आवाज में, भाई तू मुझे जानता है, मुझे खाना बनाना नहीं आता, तू मुझे कोई और काम दे दे वो करूँगा, लेकिन खाना बनाने को मत बोल, मुझे खाना बनाना तो दूर, मैंने तो कभी किचन में पैर तक नहीं रखा। राहुल हाँ यार, मुझे तो खाने की चीजों के बारे में भी पता नहीं है, मैं कैसे बनाऊंगा? समय दोनों को बिना देखे फोन निकालो और बनाना शुरू करो, घंटे में मुझे ब्रेकफास्ट तैयार चाहिए। समय इतना बोल वहां से चला गया। राघव वरुण राहुल को देख वहां से जाते हुए बोला, बॉस के लिए आज का शेड्यूल नीचे रखा है और मेरे लिए आलू के पराठे बना देना, साथ में कुछ बॉइल एग्स, और हाँ मुझे ब्लैक कॉफी पसंद नहीं तो मेरे लिए बनाना मिल्क शेक विद आइसक्रीम, और लेडी बॉस के लिए तो आपको मुझसे अच्छे से पता ही होगा। वरुण राघव की फरमाइश सुन पास में परा पीलो उठा के उसकी ओर फेंक के चिरके बोला, कमीने तुझे बहुत भूख लगी है, अभी तेरी सारी भूख मिटाता हूँ, यहाँ हमारे बेन बजी पड़ी है और तुझे खाने की पड़ी है। राघव पीलो लेग से पहले हंसते हुए बाहर भाग गया। समय का रूम। समय जब कमरे में वापिस आया तो उसने लेखा तापसी उठ चुकी थी और वो जंजीरों से छुटने की कोशिश कर रही थी। समय को रूम में आया हुआ देख तापसी नजरे उठा के बोली, आप कहाँ चले गए थे, ये देखो ना, किसी ने मुझे जंजीरों में बांध दिया है, खोलो ना इसे। समय तापसी को देख बिना इमोशन के कब्र की ओर जाते हुए बोला, किसी और ने नहीं, मैंने ही तुम्हें बांधा है। समय की बात सुन तापसी हैरानी से आंखें बरी बरी किए उसे देखते हुए बोली, क्यों आपने मुझे ऐसे क्यों बांधा? समय बिना किसी भाव के क्यों कि मुझे मेरी चिज कैद में देखना पसंद है, जब तक मैं पास हुआ तुम मेरी बाहों की कैद में रहोगी और जब मैं दूर जाऊं तो जंजीरों की या फिर। समय ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तापसी समय की बातें सुन और हैरान हो गई।
समय कब्र से अपने और तापसी के कपड़े निकाल उसे साइड रख तापसी के पास आके उसके हाथ पैरों की जंजीर खोली। तापसी को गोद में उठा के उसे लेके बाथरूम की ओर जाने लगा। तापसी उसकी हरकत देख चौंक के बोली, ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? समय बिना एक्सप्रेशन साथ में नहाने। तापसी अपनी आंखें और बरी कर कया, नहीं मैं आपके साथ नहीं नहूंगी, मैं अकेली नहलूंगी, आप मुझे छोड़िए। तापसी को परसों की बात याद आ गई, जब समय और वो साथ में बाथटब में बैठे थे, कैसे समय ने उसकी आहें तक निकाल दी थी। उसे याद कर तापसी के दोनों गाल लाल हो गए। समय बिना उसकी बात सुने उसे लेके बाथरूम में आ गया। उसने पैरों से बाथरूम का दरवाजा बंद कर तापसी को खड़ा किया। तापसी उसे रोकती या कुछ बोलती उसे पहले समय ने तापसी के सारे कपड़े निकाल दिए और खुद के भी। तापसी आंखें फाड़े समय की स्पीड देखती रही। वो अपने हाथों से खुद को छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। समय उसकी कोशिश देख उसके हाथ एक हाथ में पकड़ उसे पीछे की दीवार से लगा के बोला, ये गलती अगली बार मत करना। क्यूटे पाए जो चीज मेरी है उसे मुझसे छुपाने की हिम्मत मत करना। ये सब मेरा है, इसे छूने का देखने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और कोई मुझसे मेरी चीज छुपाए वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इतना बोल समय ने उसके कोलबोन पर अपने होंठ रख दिए, साथ ही दूसरे हाथ से सावर ऑन कर दिया। सावर का ठंडा पानी तापसी पर गिरते ही वो सिहर सी गई। उसके हाथ अपने आप समय के कंधे पर चले गए। समय तापसी को कैपते देख उसे अपने सीने से चिपका लिया। जी से तापसी और कांपने लगी, उसके पैर बुरी तरह कांपने लगे। समय की खुली छाती से खुद को चिपका देखा, उसके कान गाल लाल हो गए। इस वक्त दोनों के शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। तापसी ने खुद की आंखें कसके बंद कली। उसे इतनी शर्म आ रही थी कि वो समय को देखना भी नहीं चाहती, लेकिन समय की आंखें तापसी पर ही थी। वो उसके शरीर को सिद्ध से देख रहा था। उसकी आंखों में तापसी को पाने की सनक साफ दिखा दे रही थी। अपने छूने का असर तापसी के शरीर पर होता देखा। समय के चेहरे पर शियानी स्माइल आ गई। समय अपने एक हाथ से उसके बालों को कसके पकड़ पीछे की ओर खींचा। जिसे तापसी की आह निकल गई। समय के सामने तापसी का मलाईसी गर्दन थी, जिस पर पानी की बूंदे गिर उसके गले से होते हुए चेस्ट पर जा रही थी। समय तापसी को एक नजर देख बिना वक्त गवाए उसके गले पर अपने होंठ रख दिए। समय अपनी वाइट टंग से तापसी के गले को सक करने लगा, उस पर ठहरी पानी की बूंदों को किसी प्यासे की तरह पीने लगा। जिसे तापसी ना चाहते हुए भी आहें भरने लगी। तापसी के नाखून समय के कंधे पर गदने लगे, फिर भी समय को उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। समय के लिए तापसी की आहें उसे और वाइल्ड होने पर मजबूर कर रही थी। समय उसके गले कोलबोन को पागलों की तरह बाटिक सक करने लगा। जिसे तापसी की सिसकियां निकल जाती। सावर का ठंडा पानी भी दोनों के शरीर की बढ़ती गर्मी को कम नहीं कर रहे थे। समय पे तापसी के होठों से अपने होठ जोड़ दिए। समय धीरे धीरे सॉफ्टली तापसी के गुलाबी होठों को चूमने लगा, साथ ही एक हाथ तापसी बूब्स पर को धीरे धीरे दबा रहा था। जिसे तापसी की आहें निकल रही थी जो उसके मुंह में ही दब रही थी। बाथरूम में समय तापसी की तेज चलती सांसें और तापसी की मदहोश करने वाली सिसकियां गूंजने लगी। समय की सॉफ्ट किस धीरे धीरे वाइल्ड हो गई। वो तापसी के होठों को पागलों की तरह चूमने लगा, साथ ही उसके हाथ तापसी कमर को रब करने लगे। तापसी भी धीरे धीरे उसका साथ देने लगी, उसके हाथ समय के बालों में चलने लगे। समय तापसी का साथ पाके और वाइल्ड हो गया। दोनों 25 मिनट तक एक दूसरे के होठों को वाइल्ड की किस करते रहे। समय ने तापसी के होठों को छोर उसके सीने पर आ गया। तापसी समय के होठ वहां महसूस कर उसे दूर करते हुए बोली, आह पर प्लीज अब रुक जाए। तापसी से ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था, उसके वद अटक अटक के निकल रहे थे। समय तापसी की बात सुन इवल स्माइल कर उसके दोनों कमर एस्टरिस्क 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 को हाथों में पकड़ उसके कान के पास जाके बरी सेडेक्वेट वॉइस में कहा, बटरफ्लाई फिल्मी। समय तापसी की गर्दन पर अपने होंठ फिरा के, बेबी गर्ल मुझे छुके फिल करो। जिस तरह में अपनी बटरफ्लाई को हाथों से छुके होठों से महसूस करता हूँ, उस तरह तुम भी मुझे फिल करो। अपने होंठ मेरे होठों के अलावा मुझे मेरे पूरे शरीर पर चाहिए।
तापसी समय की बात सुनते ही सर झुका लिया। उसका पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक लाल हो गया। उसकी नजरें झुक गई। समय ने तापसी की गर्दन से सर निकाल तापसी के लाल चेहरे को देखा। इस वक्त तापसी के गाल लाल चेहरी की तरह लाल हो गए थे। समय तापसी को इतना ब्लस करता देख मुस्कुरा दिया। समय तापसी के चेहरे को देखते हुए उसका हाथ धीरे से अपने हाथ में लेके अपने सीने पर रखा। तापसी ये होते ही अपनी आंखें बरी बरी कर समय को देखने लगी। समय की आंखों खुद के लिए साथ ही अपने हाथ को समय के हाथ से चुराने की नाकाम सी कोशिश करने लगी, लेकिन समय ने उसे जाने नहीं दिया। उसके हाथ को और कसके पका लिया। समय तापसी के हाथ को कसके पका। हल्के गुस्से से तापसी को देख बोला, बटरफ्लाई कोशिश करना छोड़ दो, मैं तुम्हें अब खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तापसी समय की आंखों में गुस्सा देख उसकी बात उन कोशिश करना छोड़ दिया। आंखें कसके बंद कर ली। समय तापसी के हाथ को अपने सीने पर फेरते हुए सिडेक्टिव वॉइस में कहा, बटरफ्लाई किस मी। तापसी समय की बात सुन धीरे धीरे ना में सर हिलाने लगी। समय तापसी की ना देख अपने होंठ तापसी के गले पर वापिस रख जोर से बोइट कर लिया। साथ दूसरे हाथ से उसकी कमर कसके दबा दी, जिसे तापसी की जोर से चिख निकल गई। तापसी का हाथ अभी अभी समय के सीने से लेके उसके एब्स पर चल रहा था। समय के बाइट करने से तापसी के गले पर हल्का सा खून निकल आया। तापसी आंखों से आंसू निकल गालों पर आ गई। समय बाइट वाली जगह पर अपनी टंग फेर तापसी के खून को सक कर लिया। समय के सक करने से तापसी ने आंखें और कसके बंद कर ली। समय के होंठ तापसी के गले से लेके कोलबोन पर चलने लगे। समय के दिए हुए बाइट के माकर तापसी के गले से लेके कोलबोन पर दिखने लगे। समय तापसी के हाथ को छोड़ उसके को हाथों में पकड़ लिया। तापसी समय के हाथ अपने पर महसूस कर आहे भरने लगी। उसके पैर कांपने लगे। दोनों के ऊपर अभी भी सावर का ठंडा पानी गिर रहा था। तापसी की आहे तेज हो गई। समय तापसी को आहे भरते देख उसके होठों पर स्माइल आ गई। उसकी नजरें तापसी के लाल होठों पर गई, जिसे तापसी अपनी जीभ से बार बार गीला कर रही थी। जिसे देख समय की स्माइल और बड़ी हो गई। समय तापसी की कमर को दोनों हाथों से रब करते हुए तापसी के होठों को एक तक देखने लगा। समय का हाथ तापसी की कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर आया। समय तापसी के सीने पर हाथ रख उसे धीरे धीरे रब करने लगा। जिसे तापसी तेज आहे भरती। समय की नजरें तापसी के लाल होठों पर थी, जिसे वो बार बार दांतों से काट रही थी। तापसी का दूध सा शरीर हल्का गुलाबी लाल हो गया। समय उसके होठों पर अपनी उंगली से रब करते हुए बोला, बेबी ये करने का हक सिर्फ मेरा है, तुम ये नहीं कर सकती। इतना बोल समय ने तापसी के होठों पर होंठ रख दिए और उसे वाइल्डली किस करने लगा। उसका निचला होंठ अपने दांतों के बीच लेके उसे बाइट सक करने लगा। साथ ही उसका हाथ अभी भी तापसी के पर चल रहा था, जिसे वो किस करते हुए ही सहला रहा था। जिसे तापसी की आहें निकल रही थी, जो किस करने से उसके मुंह में दब के रह गई। समय का एक हाथ तापसी के बालों में चल रहा था तो दूसरा उसकी कमर को सहला रहा था। 25 मिनट लंबी किस करने के बाद समय ने तापसी के होठों को छोड़ा। तापसी उसके होठों से अलग होती लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसके ऐसे सांस लेने से उसकी बूब्स समय की चेस्ट से टच हो रही थी। समय ने अपने होंठ तापसी के कोलबोन पर रख दिए। वहां पर भी किस बाइट करने लगा। समय किस कम बाइट ज्यादा कर रहा था, जिसे तापसी की सिसकियां और तेज हो गई। तापसी के हाथ अपने आप समय के बालों में चले गए। तापसी समय के बालों को धीरे धीरे सहलाने लगी। समय तापसी के हाथों को अपने बालों पर महसूस कर और वाइल्ड होके उसके गले कोलबोन को पागलों की तरह किस बाइट सक करने लगा। तापसी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। उसे अपने करीब महसूस कर मदहोश होने लगी। समय उसका साथ पाके उसके चेहरे पर शयानी स्माइल आ गई। समय उसके कान के पास होंठ फिरा के बोला, हा बेबी ऐसे ही मेरा साथ दो, मुझे फील करो, मैं तुम्हारे लिए बचपन से पागल हूँ। मेरी बटरफ्लाई तुम मेरा प्यार नहीं जिद हो, मैं अपनी बटरफ्लाई को अपनी कैद में ऐसे ही हर रोज तड़पाना चाहता हूँ। अपनी बटरफ्लाई को अपने प्यार के आसमान में उड़ाना चाहता हूँ। समय की मदहोशी भरी बात सुन तापसी आहे भरते हुए बोली, आह प्लीज और नहीं हो रहा।
समय उसका साथ पाके उसके चेहरे पर शयानी स्माइल आ गई। समय उसके कान के पास होंठ फिरा के बोला, हाँ बेबी, ऐसे ही मेरा साथ दो, मुझे फिल करो, मैं तुम्हारे लिए बचपन से पागल हूँ मेरी बटरफ्लाई, तुम मेरा प्यार नहीं जिद हो। मैं अपनी बटरफ्लाई को अपनी कैद में ऐसे ही हर रोज तड़पाना चाहता हूँ, अपनी बटरफ्लाई को अपने प्यार के आसमान में उड़ाना चाहता हूँ। समय की मदहोशी भरी बात सुन तापसी आहे भरते हुए बोली, आह प्लीज और नहीं हो रहा, तया नहीं हो रहा, बटरफ्लाई बताओ तुम तया चाहती हो, तुम जो बोलोगी मैं करूँगा, समय उसके कान पर बाइट करके कहा। तापसी को खुद नहीं पता वो क्या चाहती है, लेकिन उसके सर पर आ रही पसीने की बूंदे देख समय के चेहरे पर रिवल स्माइल आ गई। समय जो चाहता था उसकी बटरफ्लाई बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट कर रही थी। समय तापसी को अपने एहसास में पूरी तरह मदहोश होता हुआ देखना चाहता था। वो चाहता था कि तापसी खुद उसकी बने, बिना किसी डर के, बिना कोई जबरदस्ती के। वो चाहता था तापसी खुद को उसके प्यार में पूरी तरह भूल जाए और उसका साथ दे, जो वो करने में कामयाब भी हो रहा था। समय के छूने से उसकी सेडेक्टिव वॉइस से तापसी मदहोश होने लगी थी। उसे खुद पता नहीं था वो क्या बोल रही है। तापसी आहे भरते हुए बड़ी मुश्किल से बोली, आह मुझे तापसी से ठीक से बोला तक नहीं जा रहा था। समय उसके कान के पास अपनी गम सांसें छोड़ रहा था, जिसे तापसी की आवाज तक नहीं निकल रही थी। समय तापसी को इस तरह देख तापसी को अपनी बाहों में उठा के खाली बाथटब में लेटा दिया और खुद उसके पर आ गया। तापसी ने दोनों हाथों से बाथटब को कसके पकड़ लिया और लंबी लंबी आहें भरने लगी। समय तापसी के ऊपर झुक फिर से उसके के साथ खेलने लगा। वो सिर्फ उसे हल्के हल्के सहला रहा था। तापसी इतने में अपने हाथों से बाथटब को स्क्रैच करने लगी। समय उसे आगे कुछ नहीं किया, वो सिर्फ तापसी के साथ थोड़ा सा खेल रहा था। वो उसे तड़पाना चाहता था, उसे वो दर्द देना चाहता था जो उसने इतने सालों में सहा है। तापसी समय को कुछ ना करता देख और तड़पने लगी। जैसे जब बीन मछली समय उसकी तरफ देख तापसी के कान के पास जाके मदहोशी भरी आवाज में कहा, बटरफ्लाई तुम चाहती हो वो मैं करूँ तो उसे पहले अपने हाथों मुझे महसूस करो, जिस तरह मैं तुम्हारे साथ प्यार कर रहा हूँ वैसे ही तुम मुझे करो। तापसी अपनी नशीली आंखों से उसकी बात ना समझ उसे देखने लगी। समय तापसी के आंखों में देख उसका एक हाथ पकड़ उसे अपने पर रख दिया। तापसी ये होते ही तुरंत अपना हाथ वापिस खींच लिया। समय को ये देख हल्का गुस्सा आया। समय तापसी के कान में बेबी फिल्मी। तापसी अपनी नजरें जुका के नामे सर हिलाने लगी। समय उसकी ना देख उसे छोड़ खड़ा हो गया और बिना बोले सावर के नीचे खड़ा हो गया। तापसी समय के अचानक दूर जाने से उदास हो गई। उसे समय का ऐसे दूर होना अच्छा नहीं लगा। उसे समय का छूना, उसका किस करना अच्छा लग रहा था। समय तापसी की ओर पीट कर सावर लेके टावल अपनी बोदी पर लिफ्ट बाहर चला गया। इस बीच उसने एक बार भी तापसी को पीछे मुड़ नहीं देखा। समय के इस तरह जाने से तापसी अपने पैर से को मुंह छुपा के रोने लगी। ऐसे ही एक घंटा बीत गया। ना ही समय बाथरूम में वापिस आया और ना ही तापसी बाहर आई। तापसी की रोने की आवाज अभी भी बाथरूम से बाहर आ रही थी। समय को उसकी आवाज सुना भी दे रही थी, लेकिन वो बिस्तर पर लेटा रहा। करीब 20 मिनट बाद फिर से बाथरूम का डोर ओपन हुआ। तापसी अभी भी मुंह छुपा के रो रही थी। समय तैयार होके अंदर आया। उसने बाथटब में से तापसी को बाहर निकाल उसे बाथरूम पहना के गोद में उठा के बाहर आ गया। तापसी अपनी आंसू से भीगी आंखों से समय को देख रही थी। समय ने एक बार भी उसे नहीं देखा। समय तापसी को बेड पर बिठा के कबर्ड में से पिंक ब्लू फ्रॉक लाके तापसी को पहना दी। उसे थोड़ी देर में तैयार कर बेड पर छोड़ खुद बालकनी में चला गया। इस बीच ना ही समय ने तापसी के चेहरे की ओर देखा और ना ही उसे बात की। समय की चुप्पी से तापसी फिर से रोने लगी। बिस्तर ओंधे मुंह लेट पीलो पकड़ तेज तेज रोने लगी। उसने समय को कितनी बार आवाज लगाई, उसे बात करने की कोशिश की, लेकिन समय ने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। समय बालकनी में खड़ा होके सिगरेट की कष्ट ले रहा था। उसकी आंखें लाल थी। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसका चेहरा हमेशा की तरह इमोशनलेस था।
ऐसा नहीं था कि उसे तापसी का रोना नहीं सुना दिया या उसे उसके आंसू नहीं दिखे, लेकिन उसने वो सब इग्नोर किया। वो तापसी को खुद की दूरी दिखा के वही तर्क महसूस करवाना चाहता था जो उसने इतने सालों तक महसूस की। वो दर्द, वो तर्क जो उसने सही है, वो सब वो तापसी को महसूस करना चाहता है। जब से उसे पता चला है कि तापसी और कोई नहीं उसकी मासूम सी बटरफ्लाई है, तो वो बहुत खुश हो गया। जैसे उसे कोया खजाना मिल गया हो, जिस लड़की को वो इतने सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहा था, वो फाइनली उसके पास है, उसके करीब है। वो उसे दुनिया से छुपा के रखने वाला है, लेकिन उसे पहले उसे वो दर्द वो तर्क महसूस करवाएगा जो उसने इतने साल सही है समय बचपन से तापसी के लिए ओवर से भी ओवर पजेसिव रहा है। उसे तापसी का किसी से भी बात करना पसंद नहीं था, यहाँ तक लड़की उस भी नहीं। वो हमेशा तापसी को कैद करके रखना चाहता था, लेकिन उस वक्त वो छोटा था और तापसी भी काफी छोटी थी। उसके पास वो पावर नहीं थी कि वो तापसी को कैद कर सके। उस वक्त किसी ने समय से कुछ ऐसी बात कही थी जिसे सुन समय आज SM व्हाइट ईगल बना समय के इस रूप के पीछे। कहीं ना कहीं तापसी ही वजह है, तापसी ही है जिसके लिए समय इतना क्रूअल बना है। वो कौन है जिसने समय को SM और व्हाइट ईगल बनाया, वो तो आपको आगे पता चलेगा। कुछ सस्पेंस वक्त आने पर खुले, यही सही होगा। अभी तो जानू का सस्पेंस बाकी है और भी बहुत कुछ है। समीरा कौन है ये बात भी बाहर आना बाकी है। समय नाम से ज्यादा खतरे का दूसरा नाम कैसे बना वो भी जानना है। इन सब के लिए आपको मेरे साथ आगे कहानी देखनी होगी, पढ़नी होगी। हमारी मासूम तापसी को क्या पता वो जिसे प्यार करने जा रही है वो किस हद तक उसके लिए संकी है। उसकी सनक खुद वो नहीं जानता, तो हमारी मासूम तापसी कैसे सह पाएगी ये प्यार। तापसी के लिए समय की कैद उसकी सजा बन ने वाली है, एक ऐसी सजा जिसे तापसी खुद कबूल करेगी, जो खुद तापसी चुनेगी। समय तापसी को इस कदर मजबूर कर देगा कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगी। कहानी में आगे तापसी थोड़ी देर बाद रोते रोते खड़ी होके समय के पास बालकनी में चली गई। समय को तापसी के आपे का एहसास हो गया था, फिर अभी वो पीछे नहीं मुड़ा। समय अपनी जलती सिगरेट जमीन पर फेंक, पीर से मसल दूसरी सिगरेट निकाली। तापसी समय के पीछे से आगे आके समय के सामने रेलिंग से लिख के खड़ी हो गई। समय उसे देख दूसरी सिगरेट निकाल पीने लगा। तापसी छोटे बच्चों की तरह समय के सीने से चिपक गई, फिर अभी समय ने कुछ नहीं किया, ना ही उसे पका और ना ही कुछ कहा। तापसी समय के शर्ट के ऊपर के तीन बटन को खोल अपना छोटा सा हाथ उसके सीने पर फेरने लगी, फिर अभी समय ऐसे ही खड़ा रहा जैसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। समय ने ना ही तापसी को रोका, ना ही उसे खुद से दूर किया, वो सिगरेट की कष्ट लेता रहा। तापसी उसके सीने पर अपने होंठ रख किस कर बोली सॉरी। तापसी के मुंह से सॉरी सुनते ही समय के होठों पर शैतानी स्माइल आ गई, जिसे उसने बहुत जल्द छुपा भी ली। तापसी समय के सीने से सर निकाल समय की आंखों में देखने लगी, जो इस वक्त बिल्कुल कोल्ड थी। उसकी आंखें हल्की लाल भी थी, जिसे देख तापसी डर गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए। उसे इस असमय से काफी डर लग रहा था, वो डर से पीछे कदम लेने लगी। तापसी और कदम पीछे जाती उसे पहले समय ने अपना एक हाथ आगे कर उसकी कमर पकड़ अपने करीब खींच लिया, जिसे तापसी सीधा समय के सीने से जा लगी। समय तापसी की कमर पकड़ उसके कान में सिडेक्टिव वे में कहा, किस मी बटरफ्लाई। तापसी उसकी बात सुन अपनी आंखें बरी बरी कर उसे देखने लगी। समय तापसी की झिलमिलाती आंखों में देख उसके फुले हुए गालों पर किस कर कहा, किस मी बटरफ्लाई, मुझे कभी इसी वक्त किस करो, मुझे तुम्हारे होठों की प्यास लगी है। तापसी धीरे से अपने पंजों पर खड़ी होके समय के कंधों को पकड़ उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। तापसी को किस करना बिल्कुल नहीं आता था, उसकी फर्स्ट किस भी समय ने की थी, वो भी बचपन में जब वो 5 साल की थी। बचपन की किस किसी चॉकलेट की तरह थी, जो समय को पहली बार में ही पसंद आ गई थी। जब पहली बार समय ने तापसी के फुले हुए गालों पर बाइट किया था, तब तापसी काफी ज्यादा रो रही थी। उसे चुप कराने समय ने तापसी गालों को तब तक सख्त किया जब तक तापसी चुप नहीं हो गई। वो किस समय के तापसी की सनक की शुरुआत थी। उस दिन से
तापसी के गालों पर हर रोज समय किस ओर बाइट करता। पहले पहले तो तापसी खूब रोती थी, फिर उसे भी आदत हो गई। वैसे तो समय बचपन में बिल्कुल चॉकलेट नहीं खाता था, लेकिन तापसी को चॉकलेट बहुत पसंद थी, इसलिए समय उसके लिए हमेशा अपने पास चॉकलेट रखता। समय उसे चॉकलेट देने के बहाने उसे किस मांगता और हमारी भोली खरगोश उसे चॉकलेट लेके उसके गालों पर कीस कर देती, जो समय को चॉकलेट से ज्यादा पसंद था और आज भी है। आज वो गालों वाली किस होठों पर आ चुकी है। समय ने जब पहली बार तापसों के होठों का रस पिया था, तब से समय के लिए तापसी के होठ सिगरेट के नशे से ज्यादा नशीले हो गए। आज पहली बार था जब तापसी समय को किस कर रही थी। वो इस वक्त समय की किस की कॉपी करने की कोशिश कर रही थी। जैसे समय उसे किस करता था, वैसे भी तापसी समय के निचले होठ पर बाइट कर उसे सक करती, तो कभी उसके अपर लिप को करती। वो किसी लॉलीपॉप की तरह समय के होठों को सक कर रही थी। तापसी हाइट में समय से छोटी थी, वो उसके कंधों तक ही आती थी, इसलिए वो ज्यादा देर तक पंजों पर खड़ी नहीं रह पाई। वो जैसे ही समय के होठों से दूर हुई, समय दोनों हाथों से उसकी कमर पकड़ उसे उठा के रेलिंग पर बिठा के उसके पैरों के बीच आके खड़ा हो गया। तापसी गिरने के डर से समय के गले में बाहें लपेट ली और अपने पैर समय की कमर पर लिपट लिए। तापसी इस वक्त किसी बिल्ली के बच्चे की तरह लग रही थी, जो समय से चिपकी हुई थी। तापसी रेलिंग से नीचे देख डरते हुए समय को और कसके पक बोली, मुझे नीचे उतारिए, मैं गिर जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। समय तापसी के डरे हुए चेहरे को देख तेरी स्माइल कर बोला, हुआ तो मेरी बटरफ्लाई को डर लग रहा है। तापसी बच्चे की तरह हा में सर हिलाने लगी। समय उसे बच्चों जैसे डरते देख उस छोर थोड़ा दूर होने लगा, लेकिन तापसी की पकड़ और कस गई। वो समय से पूरी तरह चिपक गई। समय दोनों हाथ उसकी कमर पर रख उसे गोद में लेके पास खड़े सोफे पर बैठ गया। तापसी अभी भी समय से बंदर की तरह चिपकी हुई थी। समय तापसी को शांत कराते हुए उसके बालों को साइड कर उसकी गर्दन में मुंह छुपा के बोला, रिलैक्स बटरफ्लाई, तुम मेरी बाहों में हो, शांत हो जाओ, मेरे होते हुए तुम कभी नहीं गिरोगी। अगर गिरोगी तब जब मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी, तब मैं खुद तुम्हें आसमान से जमीन पर गिराऊंगा। समय की बात सुन तापसी आंखें खोल खुद को समय के साथ सोफे पर देखा, तब कहीं जाके उसने चैन की लंबी सांस ली। उसे समय की दूसरी बातें समझ नहीं आई, तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी। So don't forget to share your review and comment your best part of a story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story, so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।